मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र है और मैं पौधों के साथ रोज़ रोज़ आपको नया एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ। ये आपके सामने एक गुलाब की कलम है, ये मैंने 10 दिन पहले लगाई थी और इसमें देखिए कि कितनी सारी बड्स आ गई हैं और कितनी बड़ी हो गई हैं। मैं आपको इसका तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे इतनी तेज़ी से इतनी सारी बड्स आ सकती हैं। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, जिसको करने के बाद आप कोई भी गुलाब की कलम लगाएंगे उसमें इतनी तेज़ी से बढ़ जाएंगी और बहुत ही छोटे पौधे में गुलाब के फूल उगने लगेंगे। सबसे पहले आपको गुलाब की एक कलम काटना है इस तरह की, जो कि नीचे से थोड़ा सा तिरछी रहेगी। और गुलाब की कलम काटने के बाद उसको आपको 24 घंटे के लिए पानी में ऐसे डाल के रख देना है। यह ध्यान रहे कि पूरे 24 घंटे तक ही पानी में डूबी रहे। 24 घंटे होने के बाद आपको बस थोड़ा सा काली मिट्टी की ज़रूरत है। काली मिट्टी इस तरह की है, इस मिट्टी को किसी भी एक बर्तन में इस तरह से भर देना है और उसके बाद आपको ये गुलाब की कलम जो है उसमें लगा देना है और उसके बाद पानी भर देना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि जिस भी डिब्बे में आप गुलाब की कलम लगा रहे हैं उसमें एक नीचे छोटा सा छेद ज़रूरी है। इतना करने के बाद बस आपको गुलाब की कलम वाले डिब्बे को धूप में रख देना है और हर 2 दिन में आपको इसमें पानी देना है। आप देखेंगे कि मात्र इस सिंपल तरीके से 10 दिनों में ही इसमें इतनी सारी बड्स आ जाएंगी और छोटे से पौधे में फूल उगने लगेंगे। मैं इस तरह के और भी नए नए एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो मैं आपको बहुत सारे नए नए तरीके बताऊँगा, जिससे कि आप आसानी से घर में ही पौधे उगा सकते हैं। आगे और एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने ये देखिए ईबे से कोकोपीट परचेस की है, जो कि मुझे 350 में मिली है। और ये कोकोपीट की मदद से मैं आपको और भी नए नए एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ। आगे आने वाले वीडियो को आप देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।